हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनविजिबल बाबा में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाएं। आज की हमारी वीडियो सेल्स ट्रेनिंग पर है, यानी कि आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको चीज़ें बेचनी हैं। अगर आप सेल्समैन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप शॉपकीपर हैं, रिटेलर हैं, सप्लायर हैं, होलसेलर हैं, कुछ भी हैं, या इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि ये वीडियोस हमारी एक ट्रेनिंग वीडियो है जो कि हमारे इंटरनल कंपनी के लिए है, लेकिन तब भी मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हम सबकी जीत की सेलिब्रेशन करने के लिए। लास्ट ईयर कंपनी ने जो गोल लिया था उसे अचीव किया है, तो हम चाहते हैं कि जो आदमी अच्छा किया है लास्ट ईयर में उसको अवार्ड दिया जाए। दोस्तों, पता है इस साल का सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको जाता है? एनीबडी, एनी गेस? सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है कदम को। कदम, वेल डन, कीप इट अप। मुझे अवार्ड कब मिलेगा? मैं भी तो 10 साल से काम कर रहा हूं। क्या सोच रहा है भाई? कुछ नहीं यार। अरे बोल ना यार। कदम, तू ऐसा क्या काम करता है कि हर साल अवार्ड तुझे मिलता है यार? अबे वही करता हूँ जो मार्केट में काम तू करता है। तो फिर अवार्ड मुझे क्यों नहीं मिलता? अच्छा तू ये बता कि तू मार्केट में क्या करता है? क्यों छोटे, हो गया लोड? अरे जल्दी करना, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। चल चल बंद कर, चल आ जा गाड़ी में, बैठ जा गाड़ी में। कांति भाई नमस्कार। अरे नमस्कार, आज क्या माल डाल दूं? क्या चाहिए जल्दी बोलो। अरे रुक जा राजू, रुक जा, कोई कस्टमर तो देख लूं। अरे कांति भाई टाइम नहीं मेरे पास, कुछ लेना है तो बोलो, नहीं तो कल आता हूँ, बहुत काम है आगे। अरे यार एक तो 4 दिन बाद आया है, रुक जा एक मिनट। अरे छोटू देख जरा क्या माल लेना है। हाँ सर। आधे का 5, 1 का 4 और 2 का 3 दे दो। लक्ष्मण चल फटाफट माल डाल दे और ये बिल भी कांति भाई को दे दे। वाले। और सुनना, ये डेंगला के पोस्टर रखे है ना, ये भी दे दे उनको। कांति भाई सुनो ना। हाँ। ये कंपनी ने एक नया ड्रिंक लॉन्च किया है, बोलो तो रखवा देता हूँ, देख लो बिकता है तो। हाँ डाल लो थोड़ा बहुत, बाकी लीफलेट जो भी है प्रोडक्ट के बारे में पता कर लेना पढ़ के। ठीक है ठीक है। और लक्ष्मण डाल दे वो भी। अबे राजू तू ऐसे काम करेगा तो अवार्ड छोड़, तेरा कस्टमर भी टूट जाएगा। क्या बात कर रहा तू यार, तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा ये बता तू काम कैसे करता है यार? कुछ बताना मुझे प्लीज। चल मैं तुझे कदम के 8 कदम बताता हूँ। पहला कदम है प्री सेल्स चेक। पहले अगले दिन का सेल्स प्लान बना लो, किसी ग्राहक की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो तो वो चेक कर लो। फिर सुबह मार्केट निकलने से पहले स्टॉक लो और बिल्स को चेक करवा लो। हाँ भाई लोड हो गया क्या? हाँ सर। 5 लीटर के 10 जार रखे क्या? वेरी गुड। 1 लीटर के 15, 250 वाला भी रखा ना? ठीक है चलो। अगला कदम है हमेशा अपने ग्राहक के साथ आदर से बात करें। हमेशा अपने ग्राहक को सम्मान या अदब के साथ हेलो या नमस्कार कहकर ही उनका अभिवादन करें। अगर ग्राहक किसी कस्टमर के साथ बिजी हो तो थोड़ा इंतजार करें, जब वो फ्री हो जाए तो फिर उन्हें उनका नाम लेकर ही संबोधित करें। नमस्ते कांति भाई, कैसे हैं आप? अरे कदम जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ जी, आप बताइए घर में सब कैसा? सब बढ़िया। आप परफेक्ट 11 बजे टाइम पे आ जाते हो ना, बहुत बढ़िया।
बैठी बैठी चाय मंगाता हूँ। तीसरा कदम है स्टॉक चेक और ग्रोथ मैपिंग। काम करते हैं, जब तक चाय आती है मैं आपका स्टॉक चेक कर लेता हूँ। ठीक ठीक। अरे छोटू बेटा, दो चाय बोल। सेठ जी, आपका 2 लीटर और 1 लीटर का स्टॉक खत्म है, तो आपको मैं 2 लीटर के 5 और 1 लीटर के 10 केस दे देता हूँ। अरे कदम जी, आपको मेरी दुकान के बारे में अच्छे से मालूम है, मुझसे ज्यादा मालूम है कि क्या बिकता है। अरे ये तो मेरा काम है कि मैं आपकी सेल का ध्यान रखूं। वैसे आपके यहाँ 250 ml भी बिक सकता है। नहीं नहीं कदम जी, 250 ml नहीं बिकेगा। सेठ जी, मैं 250 ml डिस्प्ले में लगाता हूँ, देखिए जरूर बिकेगा। छोटी प्याज के लिए 250 ml बिस्लेरी। चलो दे दो, 4 केस दे दो इसके भी। वैसे सेठ जी, देखते देखते आपकी बाजू वाली बिल्डिंग भी बन गई, आपका धंधा बढ़ गया होगा। अरे बढ़ गया थोड़ा बहुत, कॉलेज के स्टूडेंट हैं और पीजीज हैं। अरे तो फिर आपको 5 लीटर भी रखना चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स और पीजीज के लिए परफेक्ट पैक है। 5 लीटर का दे दो, 5,000 दे दो इसका भी। सेठ जी, हमारी कंपनी ने ये नया ड्रिंक लॉन्च किया है, ऊर्जा, कैन और पेट बॉटल में। ऊर्जा जी, जबरदस्त टेस्ट वाला नया ड्रिंक, दिमाग और बॉडी को तुरंत रिचार्ज करते, सबके लिए, कभी भी, कहीं भी। ये एक बहुत खूबसूरत पैकिंग में आता है, कैन में भी और पेट बॉटल में भी। कैन 250 ml का है और पेट 300 ml का है। एक केस में 24 कैंस और पेट आते हैं। कीमत क्या है इसकी? कैन और पेट की कीमत है ₹50। अच्छा, ये एनर्जी ड्रिंक है क्या? ये एक बेहतरीन टेस्ट वाला प्रीमियम ड्रिंक है जो आपको एनर्जी भी देता है। अच्छा, इसके फायदे क्या है? सर, ये आपकी बॉडी को रिचार्ज करता है, रिफ्रेश करता है, आपके दिमाग और आपकी बॉडी को तरोताजा करता है। इसके वाइटामिन आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और इसमें बाकी एनर्जी ड्रिंक्स की तरह कैफीन नहीं है, बल्कि ये एकदम नेचुरल पदार्थों से बना हुआ है। वाह, अच्छा है। तो सेठ जी, ऊर्जा के भी 2 केस रखवा देता हूँ। ठीक है। अगला कदम है प्रेजेंटेशन। इस कदम में आप अपने आप को अपने ग्राहक के सामने किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अपनी सेल्स कॉल पे निकलने से पहले इस कदम के 4 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखें, जैसे कि आप अपनी ग्रूमिंग कैसे करते हैं, साफ सुथरा, क्लीन शेवन रहना, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनना, एक्सेट्रा। दूसरी चीज, आप पहले 20 कदम कितने आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज ये है कि आप कैसे पहले 20 शब्द विनम्रता के साथ अपने ग्राहक से कहते हैं। और फिर चौथा ये कि कैसे आत्मविश्वास और अपने हाव भाव के साथ आप ग्राहक को इंप्रेस करते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो ग्राहक हमेशा आपको इंपॉर्टेंस और इज्जत देगा। 5वां कदम है डिटरमाइन द ऑर्डर। छठवां कदम है मर्चेंडाइजिंग। राजू, इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि पीओपी आप खुद लगाओ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सेठ जी, वो डीलर बोर्ड के लिए मार्केटिंग टीम को बोल देता हूँ। ठीक है, लगवा जरूर देना, लेकिन अब तुम्हारा काम है कि तुम सारे माल को खोल के उसमें से कैंस और पेट बॉटल्स को दुकान में ऐसी जगह लगा दो ताकि कस्टमर के दुकान में आते ही उसकी नजर सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट्स पर पड़े, और फिर बाकी के माल को किसी विजिकुलर या शेल्फ में ऐसी जगह लगाओ जो आई लेवल पे हो, क्योंकि आई लेवल ही बाय लेवल होता है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट्स को इतने प्यार और गर्व के साथ रखोगे तो इसका ग्राहक के दिल पे जरूर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसके दिल में तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी के लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। अच्छा सेठ जी, इस पीओपी को ठीक से डिस्प्ले में रखिए, इससे प्रोडक्ट का मूवमेंट अच्छा होता है। सेठ जी, मैं तो आपके दुकान में 10 मिनट के लिए आता हूँ, लेकिन ये पीओपी एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। अच्छी विजिबिलिटी होने से आपका और आपके ग्राहक का काम आसान हो जाएगा, और वैसे भी माल बेचने के लिए आपको एक 24 घंटे का सेल्समैन मिल जाता है। सही बात। 7वां कदम है कर्ब साइड डीब्रीफ। ठीक है सेठ जी, तो मैं चलता हूँ, अगले बुधवार को 11 बजे आऊंगा। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। 8वां कदम है रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कि आप अपने दिन भर का हिसाब देते हैं।
तो ये है कदम के 8 कदम, समझे भैया? ठीक है, अब अगली बार से मैं भी इन्हीं कदमों को फॉलो करते हुए काम करूंगा। अपनी कॉल पे निकलने से पहले इन खास बातों का अवश्य ध्यान रखें। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनें, हमेशा क्लीन शेव करके कॉल पे जाएं, ग्राहक से हमेशा मुस्कुराते हुए अभिवादन करें, रिटेलर को हमेशा उसके नाम से ही संबोधित करें, हमेशा दुकान में रखे हुए स्टॉक को चेक करें, बुकिंग से पहले ऑर्डर को कंफर्म करें, अगली मीटिंग कंफर्म करके ही कॉल को समाप्त करें। इस फिल्म में हमने देखा राजू और कदम की चर्चा क्या हो रही थी। कदम हमेशा हर साल अवार्ड लेते जाता है मगर राजू निराश हो जाता है, और फिल्म में देखा कि कदम के 8 कदम कैसे होते हैं, प्रिपरेशन से लेके पीओपी लगाने से लेके रेंज सेलिंग और मर्चेंडाइजिंग, सभी कुछ सही सही होता है। यही है सेल्स की प्रक्रिया, सेल्स के 8 स्टेप्स, जो अगर सही करने से उसे सफलता मिलते जाती है। क्यों ना हम और आप ये सब करें। जाने के पहले आपको बता दो पीओपी का महत्व क्या है। आप और हम 8 से 10 मिनट तक अगर हम लोग सिर्फ दुकान में रहते हैं मगर हमारे जाने के बाद 15 घंटे यही पीओपी सेल्समैन का काम करता है। ये प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ब्रांड के बारे में बताता है और ग्राहक को अपनी तरफ खींच लेता है। वो एक सही में सच्चा साइलेंट सेल्समैन है। इसको नजरअंदाज कभी भी मत करिएगा। यहाँ बैठे मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे सिंगम, क्यों नहीं ये सब लेके मार्केट चलते हैं और करते हैं हल्ला बोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को WhatsApp या Facebook पर जरूर शेयर करें कि ताकि और लोगों का भी भला हो और लोगों को भी पता लग सके इस ट्रेनिंग के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।